स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने घर पर सुरक्षित होंगे। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पर, जहां पर हम पढ़ते हैं मैथमेटिक्स फॉर बीएससी फर्स्ट ईयर। तो बच्चों, आज आप सभी बहुत परेशान हो रहे थे क्योंकि आज डिफरेंशियल कैलकुलस की आपकी वीडियो अपलोड नहीं हुई थी दिन में, तो बच्चों कुछ प्रॉब्लम थी इस वजह से नहीं आई थी। एंड आज आपका संडे था तो मैंने सोचा कि जो चैप्टर्स आपके कंप्लीट हो गए उनके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की आज मैं वीडियो आपको प्रोवाइड करा दूँ, ठीक है। क्लास स्टार्ट करने से पहले बच्चों, मैं एक बात और आपको अच्छे से बता दूं कि इन क्वेश्चंस का मतलब ये नहीं कि आपको सिर्फ ये क्वेश्चंस करने हैं और तैयार नहीं करने। आपको इस वीडियो को, मतलब आपने अगर यहाँ तक देख लिए, ठीक है, तो सबसे पहले आप वीडियो बंद करके अपना सारा रिवीजन करिए उस चैप्टर का, यानी चैप्टर जो हमने कराया था सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, और जिन्होंने नहीं किया है वो कीजिए, और उसके बाद में जिन्होंने कर लिया वो इसका रिवीजन कीजिए, ठीक है। उसके बाद में इसमें सिर्फ आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड है पूरी वीडियो में, तो आपको ये क्वेश्चंस क्या करने हैं, करने हैं, ठीक है, अच्छे से करने हैं। मतलब बाकी जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं मैंने या फिर जितने भी एग्जांपल्स हैं वो तो आपको करने ही है। उसके बाद में जो कह देते हैं ना कि एक मोस्ट चीज पे नजर डाल लो जो आने की सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है एग्जाम में, तो उसके लिए ये आपकी वीडियो है, ठीक है। सारा चैप्टर आपको अच्छे से कवर करना है, उसके बाद में आपको ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनको आपको दोबारा भी देखना है, ठीक है। तो इसमें जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, प्रूव दैट DNA की पावर एक्स, यानी कि AX का n टाइम्स डिफरेंशिएशन किसके इक्वल हो रहा है, log A की होल पावर n इंटू A की पावर एक्स, ठीक है। ये स्टार्टिंग के आपके चार क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्या है, आपके जो चार क्वेश्चन है, यानी कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के चार पार्ट है। एक में तो क्या करना है आपको, ए की पावर एक्स का एन टाइम्स डिफरेंशिएशन ये शो करके दिखाना है। एक आपको ए एक्स प्लस बी की होल पावर माइनस वन का एन टाइम्स डिफरेंशिएशन ये शो करके दिखाना है, और सेम इसी तरीके से एक लॉग ए एक्स प्लस बी का एन टाइम्स डिफरेंशिएशन ये शो करना है, और इस वाले में आपको साइन ए एक्स प्लस बी का एन टाइम्स डिफरेंशिएशन ये शो करके दिखाना है, ठीक है। जो आपकी इस चैप्टर की सबसे फर्स्ट वीडियो है उसमें सारे क्वेश्चन, सॉरी सारे फॉर्मूले मैंने आपको लिखाए हैं, और उनमें आपका प्रूफ भी कराया हुआ है, सभी फॉर्मूलों का प्रूफ कराया हुआ है। तो उनमें से ये चार मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जिनका प्रूफ एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर टू है, फाइंड द एनर्थ डिफरेंशिएशन कोफिशियंट ऑफ, दैट इज, ये आपका बच्चों एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में गिवन है आपको। तो इसमें क्या करना है आपको, एनर्थ डिफरेंशिएशन कोफिशियंट फाइंड आउट करना है टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए का और टेन इनवर्स एक्स का, ठीक है। और एक आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन है कि इफ वाई इज इक्वल्स टू साइन एम एक्स प्लस कोज एम एक्स, तो आपको प्रूफ करके दिखानी है ये वाली टर्म। देखो बच्चों, ये जो आपका चैप्टर था सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, ये मैंने आपका कराया था जो पुरानी बुक थी उससे, और जो नई बुक है उसमें सेम है, सारे एग्जाम्पल क्वेश्चंस हैं तो सेम, बट क्या हो गया कि कुछ क्वेश्चंस एग्जाम्पल दे दिए नई बुक में और कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चंस दे दिए। जो आपकी पुरानी बुक थी उसमें आपकी सिर्फ क्या थी, तीन एक्सरसाइज थी, न्यू बुक में आपकी चार एक्सरसाइज कर दी, ठीक है। तो क्वेश्चन आपके डिवाइड कर दिए, बट होंगे सारे क्वेश्चंस वही, तो आप इस चीज़ की टेंशन मत लेना, ठीक है। जो एग्जांपल्स हैं उनको आप करके देखना अपने आप, क्वेश्चन बुक में आपको क्या है सॉल्यूशन प्रोवाइड है उसका, और पीडीएफ मैंने आपको आपकी हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हर चैप्टर की पीडीएफ प्रोवाइड करा दी है, वहाँ से आप देख लेना, ठीक है। सभी एग्जाम्पल्स आपको अपने अच्छे से तैयार करने हैं, और एक्सरसाइज के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैंने सारे आपको कराई दिए हैं, तो वहाँ से आप अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन आपका ये रहा, इनको एक बार नोट कीजिए, उसके बाद में अगले क्वेश्चन लिख रही हूँ मैं। देखो मुझे उसके बाद में क्वेश्चन नंबर फोर क्या है, स्टेट एंड प्रूव लेबनीज थ्योरम, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका कई बार पूछा जा चुका है, कई बार ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है और लॉन्ग क्वेश्चन में भी। शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे सिर्फ क्या पूछ सकता है, स्टेट लेबनीज थ्योरम, ठीक है। एंड लॉन्ग में क्या पूछ सकता है, स्टेट एंड प्रूफ लेबनीज थ्योरम। तो आपको इसका स्टेटमेंट भी और इसका प्रूफ भी अच्छे से करना है, बहुत ईजी वे में मैंने आपको कराया हुआ है ये, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर फाइव है, ये आपका एग्जाम्पल है कि इफ वाई इज इक्वल्स टू समथिंग, तो आपको शो करके दिखानी है ये वाली टर्म एंड ये वाली टर्म, और दोनों ही टर्म आपके एग्जाम में आई हुई है। कई बार आपको ये वाली फॉर्म देके आपसे ये वाला प्रूफ करा रहा है बस आपका फर्स्ट पार्ट, और कई बार ये वाली फॉर्म देके आपसे ये वाली भी प्रूफ करवा रही है, ठीक है, टर्म। तो आपको दोनों ही पार्ट इसके करने हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर सिक्स है आपका, ये भी आपका एग्जाम्पल है, इसमें भी आपको ये वाली टर्म गिवन है, ठीक है, और y कितने x की वैल्यू दे रखी है और y की वैल्यू दे रखी है, और आपसे ये वाली टर्म प्रूफ करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेवन में भी क्या है आपका, ये वाली टर्म आपको गिवन है और प्रूफ करनी है आपको ये वाली टर्म।
ये सारे क्वेश्चंस किससे होंगे, आपके लेबनीज थ्योरम से प्रूफ होंगे, ठीक है बच्चों। तो ये सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से करने हैं, ठीक है, मतलब जो क्वेश्चंस कराए वो तो करने ही है, ये बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं आपको, तो इनको नोट कीजिए एक बार। देखो बच्चों उसके बाद में बस ये कुछ क्वेश्चंस हैं, उसके बाद में आपके चैप्टर कंप्लीट, यही क्वेश्चंस हैं जो आपके इस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें एक क्वेश्चन क्या है कि आपको आईएन की वैल्यू गिवन है और आपको प्रूफ करके दिखानी है ये वाली टर्म, यानी कि आपको क्या करना है इसका एन माइनस वन तक इसका डिफरेंशियल कोफिशियंट, एन डिफरेंशियल कोफिशियंट फाइंड आउट करना है। सेम ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई आपको गिवन है और आपको ये वाली टर्म प्रूफ करनी है, और ये वाली यहाँ पे क्या है कि आपको इसका टू टाइम्स तक डिफरेंशिएशन करना है और एन प्लस टू टाइम्स तक डिफरेंशिएशन करके शो करना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपको ये वाली टर्म गिवन है और आपको प्रूफ क्या करना है, ये वाली टर्म आपको प्रूफ करनी है, क्वेश्चन कराया हुआ है मैंने। सेम ऐसे ही आपका ये वाला पार्ट है वाई की वैल्यू गिवन है और वाई एन प्लस टू, यानी कि इसका एन प्लस टू टाइम्स तक एन डिफरेंशियल कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें भी आपको क्या करना है, वाई गिवन है और वाई एन एट जीरो, सबसे जो लास्ट वाली एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो वाई एन एट जीरो पे आपको वैल्यू फाइंड कर देनी है, और उसके बाद में फिर एक क्वेश्चन है कि आपको वाई कितना दे रखा है साइन इनवर्स एक्स, और आपको प्रूफ करनी है ये वाली टर्म, यानी कि वाई एन प्लस टू तक इसका क्या करना है एन एट डिफरेंशियल फाइंड आउट करना है, और उसके बाद में हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई एन एट जीरो, और वाई एन एट जीरो पे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो बच्चों ये कुछ क्वेश्चंस थे जो आपके सक्सेसिव डिफरेंशिएशन जो आपका चैप्टर था उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से कवर करने हैं, मतलब इनको तो छोड़ना ही नहीं है, ये मान लो आप। अब जब आप एग्जाम देने बैठोगे तो आप खुद देख लोगे इनमें से एक या दो क्वेश्चन आपको जरूर देखने के लिए मिल ही जाएंगे, ठीक है। तो इनको अच्छे से करना है। उसके बाद में चैप्टर सिक्वेंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है, नोट कीजिए। देखो बच्चों उसके बाद में ये जो क्वेश्चंस मैंने नोट किए हैं ये सिर्फ मोस्टली 3 to 6 और 1 7 क्वेश्चंस है जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है उस चैप्टर सीक्वेंस के, ठीक है। क्योंकि पहले बच्चों ये जो चैप्टर था ये आपका बीएससी थर्ड ईयर में था और आपका फर्स्ट ईयर में बहुत ही कम क्वेश्चंस आपके इससे शायद से पूछे जाते थे, ठीक है। तो इस बार का आपका पता नहीं इसमें से क्या पूछ ले, बाकी मैंने आपको सारा चैप्टर ही अच्छे से कवर करा है। अगर कोई डेफिनेशन आपसे पूछ सकता है शॉर्ट क्वेश्चंस में जो कि मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताई है तो वो आप वहां से अच्छे से कवर कर लेना उस चैप्टर इस चैप्टर को। बाकी ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कई बार पूछे जा चुके हैं, ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को भी आपको अच्छे से करना है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है शो दैट द सीक्वेंस 1 अपॉन n हैज द लिमिट 0 करा रखा है मैंने। सेकंड है द सीक्वेंस SN वेयर SN आपको गिवन है हैज द लिमिट 3, ये भी कराया हुआ है। प्रूफ दैट लिमिट 1 अपॉन n ऑफ दिस सीक्वेंस कितनी आनी चाहिए 1, और उसके बाद है लिमिट ऑफ दिस सीक्वेंस, ये सीक्वेंस गिवन है इसकी लिमिट कितनी आ रही है E, और नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपको ये सीक्वेंस गिवन है इसकी लिमिट कितनी आ रही है ये वाली। इन तीनों सीक्वेंस में आपको क्या करना है, अगर मैंने कोई सा नहीं करा है इनमें से शायद से एग्जांपल्स हैं आपके, ठीक है, तो आपको क्या करना है कि जो आपकी लास्ट वाली टर्म है SN है उसकी लिमिट फाइंड आउट करनी है, और जो लिमिट आपकी लास्ट वाली टर्म की होगी वही लिमिट क्या होगी आपकी कंप्लीट सीक्वेंस की भी लिमिट होगी, ठीक है बच्चों। सारा चैप्टर आपको अच्छे से कराया हुआ है, अगर आपने कर लिया है तो पहले वहां से अच्छे से कीजिए उसका रिविजन, और उसके बाद में इन क्वेश्चन को करके देखना कि क्या आपसे क्वेश्चन हो पा रहे हैं नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है, ताकि ये आपका एक तरीके से देखा जाए तो टेस्ट का टेस्ट भी हो जाएगा और आपकी तैयारी भी हो जाएगी। क्योंकि एग्जाम में बहुत कम टाइम बचा है इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप साथ के साथ अपना बच्चों रिवीजन करते चलो, क्योंकि एक बार मैंने करा दिया उसके बाद एक बार इसका आप रिवीजन करके अच्छे से टेस्ट दे लोगे ना इन क्वेश्चंस का, तो उसके बाद में आपको लगेगा कि हाँ ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद जब एग्जाम्पल आएगा आप एक बार देखोगे तो आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से माइंड में बैठ जाएंगे, ठीक है, वरना अगर आप छोड़ दोगे ऐसे ही चैप्टर को करने के बाद में तो फिर वो जल्दी से माइंड में नहीं आते, आपको दोबारा से करना पड़ेगा एग्जाम के टाइम पे तैयार। तो अभी से आप क्या करना, उन चैप्टर्स का रिवीजन करते चलना साथ के साथ, जो क्वेश्चन जो चैप्टर्स आपके कंप्लीट होते रहे मैं उनकी वीडियो दे दिया करूंगी, मतलब संडे में हो जाया करेगा, ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हो जाएंगे और आपका एक तरीके से टेस्ट भी हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इनके आपको सॉल्यूशन करने हैं अच्छे से। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो बच्चों प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए, और बच्चों आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे साथ में जुड़ सकें और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सकें, ठीक है। और जो बच्चे वीडियो को शेयर करते हैं उनका बहुत बहुत थैंक्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं बहुत जगहों से देश के हर कोने से जो हमारे साथ जुड़ के अपनी पढ़ाई अच्छे से कर पा रहे हैं, ठीक है बच्चों।
तो बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हो या फिर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद।